Hello students, main engineer Akriti J main April ke solution lekar aayi hu. Hum log maths ka solution jo abhi kal hua, parson hua ya aaj hoga, dheere dheere main sabke solution sabse pehle upload karne ka prayas karungi. Kyunki ye exam online hota hai, isliye question sabhi memory based honge. Main aaj 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने जा रही हूं. जेईई मेंस में 30 क्वेश्चन है, इसे मैं 3 पार्ट में डिस्कस करूंगी. आज मैं 1 to 10 आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस करेंगे. दो क्वेश्चन फिलहाल आपको बोर्ड पर दिख रहा है. पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है और बहुत ही सिंपल है, और दूसरा क्वेश्चन लिमिट से है. 10 दिन पहले मैंने लिमिट के वीडियोस डाले थे. लिमिट का क्वेश्चन का लेवल भी सिंपल ही है. तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन. साइन दिया हुआ है टैन 2 अल्फा चाहिए. सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि इस 2 अल्फा को इन दोनों के रूप में एक्सप्रेस करें. तो देख लीजिए यहां ध्यान से, मैं इसे लिख लेती हूं और मैं इसे लिख लेती हूं. इन दोनों के बीच कौन सा सिंबल दूं कि ये 2 अल्फा हो जाए. बीटा कैंसिल करना है, प्लस करने से होगा. tan इसे a अज्यूम करें, इसे b अज्यूम करें. tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b. अब तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. इसकी वैल्यू यहां से ट्रायंगल लॉ से मैं इसके लिए ट्रायंगल बना लूं. sin दिया है p upon h, यहां से पाइथागोरस से b निकल गया. cos दिया है, इसके लिए ट्रायंगल बना लेती हूं. b upon h पाइथागोरस से ये मुझे tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए. इस एंगल का ये ट्रायंगल है, मुझे इसका tan चाहिए. परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3. tan अल्फा माइनस बीटा, यहां से इस ट्रायंगल से मुझे tan चाहिए, क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. अब तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गया. देख लीजिए ध्यान से, 3 एंड 12 का एलसीएम 12, 4 4 16 प्लस 5 36 माइनस 20 16/36 12 3 21 इनटू 3 63/16. चेक करिए क्या कोई ऑप्शन है 63/16. यस, ऑप्शन ए करेक्ट. बहुत आसान था. हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. लिमिट का क्वेश्चन है, ध्यान देना है. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या हमें इसे 1 बनाने का आइडिया पहले से है? ये एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगी और एक्स स्क्वायर से इनटू कर दी. ये पार्ट तो sin x / x 1 होता है. यहां डिनोमिनेटर मैं कॉपी कर लेती हूं. लिमिट का कांसेप्ट है, कभी भी रेडिकल साइन आए रेशनलाइज करते हैं. यानी अगर यहां माइनस है तो प्लस साइन चेंज करके रेशनलाइज कर देंगे. गौर से देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपर तो मैं कॉपी कर देती हूं, लेकिन लोअर में a माइनस b इनटू a प्लस b, a का स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. न्यूमरेटर वही रह जाएगा, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी मैं कॉपी कर दी, 2 माइनस 1 1 माइनस cos x. फिर से न्यूमरेटर को मैं रहने दे रही हूं कॉपी 1. ये सब सेम कॉपी हो रहा. 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin square x / 2. 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला
2 sin square theta. अब मुझे इसको 1 बनाना है. इसे 1 बनाने के लिए इसी एंगल के स्क्वायर से डिवाइड, इसी एंगल के स्क्वायर से इनटू. अच्छे से देखिए, क्या ये 1 हो चुका? जितना बच गया मैं पूरा का पूरा लिख देती हूं. लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर. अब मैं इस ब्रैकेट को लिख दे रही हूं रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4. ये 2 ऊपर चला गया, रूट 2 1 प्लस एक्स के जगह 0 पुट करना है. मैं कॉस 0 कर दी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 रूट 2. हमारा फाइनल आंसर आ चुका 4 रूट 2. देखिए कौन सा ऑप्शन है 4 रूट 2? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. हमारा तीसरा क्वेश्चन मैट्रिसेस से है. इस पैटर्न के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं. ए दी हुई है, ए की पावर 32 पूछा है. मींस मुझे ए को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये इतने बार करना पॉसिबल नहीं है. पहले हम लोग ए स्क्वायर तो करके देख लें. ए इनटू ए मैं करके देखती हूँ. कॉस, थोड़ा शॉर्टकट के लिए मैं लिखती हूँ कॉस माइनस साइन, साइन और कॉस, कॉस माइनस साइन, साइन और कॉस. और क्या आएगा देखते हैं. कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 अल्फा माइनस साइन कॉस -sin 2 अल्फा, साइन कॉस प्लस साइन कॉस साइन 2 अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से कॉस 2 अल्फा. गौर से देखें, ए ए में अल्फा था, ए स्क्वायर में 2 अल्फा है. तो ए की पावर 32 में अगर जनरलाइज करेंगे तो ये 32 अल्फा हो जाएगा. कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, साइन 32 अल्फा और कॉस 32 अल्फा. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए की पावर 32. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की पावर 32 दिया हुआ है 0 माइनस 1 1 और 0. ये दोनों सेम है, मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा. तो मैं इक्वेट कर देती हूं कॉस 32 अल्फा इक्वल्स टू 0. हमें पहले से पता है कॉस पाई बाई 2 0 होता है. 32 अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2, इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू ये 32 नीचे चला जाएगा. चेक करिए क्या कोई ऑप्शन है पाई बाई 64. यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया. हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुत आसान है. मैंने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 7 डेज पहले वीडियोस डाले थे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, डेटा सिर्फ चेंज है. देखिएगा क्वेश्चन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर्म्ड बाय दीज थ्री इक्वेशन विल बी 0. यहां से कर लेती हूं. x का तीनों कोफिशियंट c माइनस c 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस c माइनस c इक्वल्स टू 0. अब हम लोग इसे इक्वेट कर देते हैं, क्या आएगा देख लीजिए. c इंटू माइनस c प्लस c प्लस 1 इंटू c स्क्वायर प्लस c माइनस 1 इंटू माइनस सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये c इंटू 0 c स्क्वायर प्लस c
प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अच्छे से देखें, ये आ गया 2c प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब मैं इसे सॉल्व कर देती हूं, c प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, c प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, c की वैल्यू आ गई माइनस वन। क्या कोई ऑप्शन है? क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हमारा c माइनस वन बी ऑप्शन में करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और बहुत बहुत सिंपल है और पिछले पैटर्न के ही क्वेश्चन है। वी कैन से दैट इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 वेरिएट्स आर 8। सबसे पहले मीन की वैल्यू 8 दी हुई है 7 वेरिएट्स का, एंड 5 ऑफ देम आर दिस वन। मैं मीन निकाल लेती हूं, 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, ये 5 दिया हुआ है। पूछा क्या है? फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेरिएट्स। मैं बाकी 2 वेरिएट्स को ए और बी मान लेती हूं और इसका मीन ऐसे निकाल लिया मैंने। सबको ऐड कर लेते हैं, 6, 10, 16, 18, 10, 28, 24, 32, 10, 42 प्लस ए प्लस बी 8, 7 जा 56। ए प्लस बी कैलकुलेट किया 56 माइनस 42। मुझे ए इंटू बी चाहिए, एक डेटा और दिया हुआ था वेरिएंस 16। आखिर वेरिएंस होता क्या है मैं आपको याद दिला देती हूं। वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर बाय 7 माइनस मीन दिया हुआ था 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब इसे मैं ऐड कर देती हूं, क्या आएगा देखिए, 4, 16, 20, 120, 144, 14 का स्क्वायर 196, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 7 इक्वल्स टू 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहां से सारे कैलकुलेशन को अगर हम लोग कर लें, इन दोनों का सम इनटू 7 माइनस दिस वन, हमारा ये 100 आ चुका। मुझे ये पता है, ए प्लस बी पता है, हम ए भी बड़े आराम से निकाल लेंगे। क्या हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी, अब इक्वेशन वन से ए प्लस बी की वैल्यू 14 का स्क्वायर माइनस 2ab। ए कहाँ है? सर यही तो चाहिए हमें, ए बी ही तो चाहिए। आराम से निकाल लेते हैं, 196 माइनस 100 इक्वल्स टू 2ab, 96 इक्वल टू 2ab, ab इक्वल टू 96 अपॉन 2। चेक करते हैं क्या कोई ऑप्शन है 48। प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेरिएट्स यानी ए और बी का प्रोडक्ट ऑप्शन ए। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। बच्चे कहते हैं पीएनसी टफ है, आप देखिए कितना आसान है और मैं इसको और आसान तरीके से सिखाने जा रही हूं आपको। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। मैं इसको लिख लेती हूं, 1 1 2 2 2 2 3 4 4, 9 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सच दैट ऑड नंबर अकर एट इवन प्लेस। इवन प्लेस ये है, ये है, ये है और ये सारा है इवन प्लेस। इस इवन प्लेस पर ऑड नंबर रखना है,
ऑड नंबर कौन कौन है हमारे इसमें, वन वन और थ्री, चार जगह है, तीन नंबर रखना है, चार सीट खाली है, तीन पैसेंजर हैं, पहले तीन जगह तो सेलेक्ट कर ले। इस चार प्लेस पर मैंने तीन प्लेस सेलेक्ट कर लिया, अब इस तीनों में नंबर रखती हूं, इसे मुझे अरेंज करना है। क्या होता है, तीन का अरेंजमेंट थ्री फैक्टोरियल, वन दो बार रिपीट है, कितने बार रिपीट है यही तो हम लोग लिखते हैं। अब इसका तो, इस तीनों का तो काम हो गया, बचा कौन कौन, इसका इसका और इसका काम हो गया, इनफैक्ट अब मैं मिटा सकती हूं। बचा कौन कौन, चार दो छह नंबर बचा है। इस छो को अरेंज करने का तरीका होता है सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दो, कितने बार है, एक क्या कौन सा नंबर रिपीट हो रहा मतलब नहीं है, कितने बार रिपीट हो रहा, ये चार बार रिपीट हो रहा है फोर फैक्टोरियल, ये दो बार रिपीट हो रहा है दो फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर सी थ्री मतलब फोर सी वन मतलब फोर, थ्री फैक्टोरियल सिक्स बाई टू, सिक्स फैक्टोरियल सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल इंटू टू, ये टू ये टू इससे चला गया, ये इससे चला गया, सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड एंड एट्टी। क्या कोई ऑप्शन है 180? यस, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का है। मैं लास्ट के 15 दिन में 7-8 टॉपिक कवर करवाई थी मेंस के लिए, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी था। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के क्वेश्चन फिक्स थे कि आएंगे ही आएंगे, और आए भी, एग्जाम्पल सामने है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आप देखिए, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया, एक पहला स्टेटमेंट है यू आर बॉर्न इन इंडिया, देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, एक और स्टेटमेंट है यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझसे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ पी देन क्यू, जिसका सिंबल ये है, इफ पी देन क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नाइदर क्यू, यानी इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, नॉट क्यू ये है इफ और देन का इंप्लाइज साइन, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया। देखते हैं, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया गलत, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हम लोग अपने आठवें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं क्या है। आप देखिए, मैं जगह बना रही हूं थोड़ा। हमारा क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस वन, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके रूट्स निकालती हूं। देखिए, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो ये प्लस और ये प्लस, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इस प्लस को दूसरी तरफ भेज देती हूं, स्क्वायर जब जाता है प्लस माइनस रूट अंडर में, और ये तो आयोटा है, एक्स की वैल्यू आ गई, दोनों रूट समझ में आ गया, ये अल्फा है और ये बीटा है। मुझसे अल्फा बाई बीटा की पावर एन पूछा था, पहले मैं अल्फा बाई बीटा तो निकाल लूं। अल्फा है हमारा वन प्लस आयोटा, बीटा है हमारा वन माइनस आयोटा। हम लोग इसका रेशनल है, कभी भी अगर पावर एन पूछा है, बाद में करती हूं, पहले सिंप्लीफाई। डिनोमिनेटर में आयोटा कभी नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं रेशनलाइज कर देती हूं, होल स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, टू आयोटा डिवाइडेड बाई टू, टू आयोटा बाई टू आयोटा आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया था अल्फा बाई बीटा की पावर एन वन, अल्फा बाई बीटा आ चुका आयोटा, क्या हमें पता है इस वन को कितना लिख सकते हैं? वन को हम लोग आयोटा की पावर फोर लिख सकते हैं, फोर एन होता है एक्चुअली, चार आठ बारह सोलह, सारी आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ फोर की वैल्यू वन होती है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इनकी मिनिमम वैल्यू फोर होगी, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दे दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है। क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है और बहुत दिमाग लगाने वाला भी है। अगर इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार से सिखाने जा रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इस सीरीज को हम लोग गौर करते हैं, ये तो 20C0, 20C1, 20C2, 20C20 सिंपल ही है। दो पांच आठ 62, ये एक सिंपल सीरीज को फॉलो कर रहा है 3R+2, जहां R की वैल्यू जीरो रखने से पहला आएगा और 20 रखने से आखिरी आएगा। इसलिए इस समेशन को जो समेशन दिया है मैं कॉपी कर रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को मैं लिख रही हूं समेशन, पहले इसको लिख लेती हूं 20C, जीरो से लेके 20 तक, यानी R की वैल्यू जीरो से लेके 20। अब इसके कोफिशियंट को हम लोग 25862, इसे हम लोग 3R+2 बोलते हैं। अब मुझे इसी को सॉल्व करना है, मैं बारी बारी से कर रही हूं, इस पहले को इससे इंटू कर रही हूं, तीन बाहर हो जाएगा, जीरो से लेकर 20 आर इंटू 20 CR प्लस 2 इंटू समेशन, इसकी वैल्यू 20 CR। अब यहां एक बात ध्यान देने का है, इसे मैं रहने देती हूं, इस R को हटाना है तो क्या एक प्रॉपर्टी है, ये 20 बाई R आगे आ गया, 20 से कम हो गया और ये R भी एक कम हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी पे जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसमें भी एक कम और इसमें भी एक कम, N/R, ये इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अब इसके बदले तो हम लोग इस पूरे के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 20, ये तो फॉर्मूला है। अब इस R से R चला गया, 3 into 20 60, लेकिन इस बार समेशन की वैल्यू हम 0 से 20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 लिखने से ये इनवैलिड हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 21। अब इसकी वैल्यू फिर से वही आ गई फॉर्मूला 2 की पावर 19। सॉल्व कर लेते हैं, इसे भी 21 में ही बना लेते हैं, 15 को बाहर कर लेते हैं, 4 2 की पावर 19, ये आ गया 15, ये 2 की पावर 2 2 की पावर 19, 2 की पावर 21, 2 की पावर 21 कॉमन 15 प्लस 1, क्या कोई ऑप्शन है ऐसा 2 की पावर 21, लेकिन 8 है यहां, 2 की पावर 21 16 है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो चुका। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ चुकी हूं, मैं 10-10 क्वेश्चन के ही वीडियोस बनाऊंगी ताकि देखने में आप बोर ना हो। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, जितने बच्चे इस बार मेंस दिए हैं
उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो ताकि वो चेक कर सके कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं 12 अप्रैल से पहले और आप जेई के एस्पिरेंट हैं, आपको देना है 11 या 12 को, तो भी ये इस तरह के क्वेश्चन मेंस पूछती है या पूछेगी, इसलिए ये वीडियो पढ़ के आप जाइए। हम लोग इस क्वेश्चन पे कर रहे हैं, मैंने इसका सॉल्यूशन पहले से कर लिया क्योंकि ये बहुत लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग था, 10 मिनट 5 मिनट सिर्फ कैलकुलेशन में लग जाते। सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स, पहले तो पावर 6 और ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्लस है बीच में, पावर 6 है तो टर्म की संख्या 7 होगी, मैंने T1 से T7 तक लिख दिया, इसमें भी 7 होगा लेकिन बीच में माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस होता चला गया, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो माइनस साइन वाले प्लस साइन से कैंसल हो गया। T1 दो बार है इसलिए डबल हो गया, T3 T5 और T7। अब T1 इससे फर्स्ट टर्म MC0 फर्स्ट की पावर n सेकंड की पावर z, इस तरीके से मैंने एक्सपेंशन कर दिया, लेकिन मुझसे तो इवन पावर वाला बोला तो इवन पावर इसमें है लेंगे, 4 × 3 कट कर देंगे नहीं लेंगे क्योंकि ये पावर 7 होगा, लेकिन इतना × 1 लेंगे, 2 × 2, अब इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 और 2 8 होगा लेंगे, प्लस बी स्क्वायर 1 रहेगा तो भी लेंगे, लेकिन -2ab यानी 2x³ पावर ऑड आ जाएगा वो नहीं लेंगे, पहले इसको क्यूब कर लेंगे और तब उससे इवन वाले को कलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ कलेक्ट की हूं, ये 2 को रहने दिया, this into this कॉपी कर दिया है, this into 1 विथ नेगेटिव साइन मैंने कॉपी कर दिया। अब जब होल स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक्स की पावर 6 × x² 2 x² 8 64 प्लस बी स्क्वायर 1 × 1 ये लिखा हुआ प्लस 6 × 6 a³ - b³ जब करेंगे a - b का होल क्यूब तो होगा a³ - b³ - 3 a²b - 3ab² देख लीजिए, इसमें इससे इंटू करेंगे ये तो ऑड है नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, इसमें तो कोई पावर ही नहीं इसलिए ले सकते हैं, ये ले सकते ये नहीं ले सकते, तो 6 × 6 से सिर्फ यही दोनों इंटू करेंगे जो मैंने यहां लिख दिया। अब मुझसे कोफिशियंट्स पूछा है, 2 × 1 2 तो बाहर है ही, ये लिख दिया ये लिख दिया ये लिख दिया और ये लिख दिया, और अब सिंपली सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा 24 आ गया जो कि ऑप्शन बी में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 11 to 20 लेकर आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।